लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता भी बेहद उत्साहित है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान के आंकड़े में अगले चरण में इजाफा होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियां भी पूरे जोर शोर के साथ दूसरे चरण के चुनाव के लिए रैलियां और सभाएं कर जनता को खुद की तरफ आकर्षित करना चाह रही हैं। कई लोग अपने काम के जरिए जनता को लुभाना चाह रहे हैं, तो कोई तो दूसरी पार्टी के स्तर को इतना नीचे गिरा दे रहे हैं कि भाषा की मर्यादा ही भूल जा रहे हैं। क्योंकि पहले चरण के अलावा अभी 6 और चरणों में चुनाव होना है, तो इस लिहाज से क्योंकि अभी सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है, इसलिए बीजेपी ने एक और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और इस लिस्ट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी को अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और पार्टी में अनुशासनहीन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तभी तो विधायक को जूते से मारने वाले सांसद को इस लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। उनकी सत्ता की हनक को कम करते हुए पार्टी ने इस बार सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट ही काट दिया, जबकि उनके पिता रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया है। पार्टी ने संत कबीर नगर से शरद त्रिपाठी का टिकट काटकर अभी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए प्रवीण निषाद को मैदान में उतारा है, जिनकी सीधी टक्कर पूर्वांचल के माफिया और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी से है। ये वही प्रवीण निषाद हैं जिन्होंने गोरखपुर उपचुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी निषाद पार्टी अखिलेश की सपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जब निषाद पार्टी के लिए गठबंधन के पिटारे से मात्र 2 ही सीटें निकलने की बात सामने आई, तो निषाद पार्टी अपना पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गई। और फिर संत कबीर नगर से जूते मारने वाले सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट काटकर प्रवीण निषाद को दे दिया गया। इसके अलावा प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी, जौनपुर से केपी सिंह, भदोई से रमेश बिंद और गोरखपुर से फेमस भोजपुरी स्टार रवि किशन को बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने के लिए मैदान में उतार दिया है। बता दें कि अनुशासनहीनता के लिए जिस सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट काटा गया है, उन्होंने पिछले दिनों मेंदावल से बीजेपी विधायक राकेश बघेल के साथ मारपीट की थी। दरअसल हुआ यूं था कि कलेक्ट्रेट में बैठे सांसद शरद त्रिपाठी और विधायक राकेश बघेल के बीच किसी बात को लेकर अनबन इतनी बढ़ गई थी कि मारपीट तक पहुंच गई थी, वो भी कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन की मौजूदगी में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बीजेपी को शर्मसार कर देने वाली इस घटना से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खासा नाराज था और जिसका खामियाजा शरद त्रिपाठी को भरना भी पड़ा और उन्हें इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का मौका नहीं दिया गया और उनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी के स्टैंड से साफ जाहिर है कि पार्टी को किसी भी सूरत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है। पार्टी में सिर्फ अनुशासन में रहने वाले लोगों के लिए ही जगह है। अगर आप अनुशासन में नहीं रह सकते तो पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। कौन मजबूत बनाएगा, कौन मजबूत बनाएगा? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की महामिलावट क्या भारत को मजबूत बना सकती है? कभी बना सकती है? जी नहीं। ये मोदी कर पाया। आप और हम मिलकर भारत में एक शक्तिशाली मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार भी बनाएंगे। आपको सहयोग से ही हम मिलकर के मजबूत हिंदुस्तान बनाने का संकल्प करने के लिए इतनी भयंकर धूप में हम तप रहे हैं। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा।
एक ऐसा हिंदुस्तान जो आतंक के सरपरस्तों को पाताल में खोज करके उन्हें सजा देगा, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके साथ दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र भी कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए गर्व अनुभव करेंगे। भाइयों और बहनों, जब भारत के सपूतों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर के आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया, तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको याद होगा 2014 के चुनाव में मैं एक क्षेत्र में आया था और उस समय मैंने जनसभा में कहा था और शरद राव को ललकारते हुए कहा था, और मैंने कहा था, शरद राव जब सरकार में दम होती है तब नेता नहीं बोलते, फौजियों की उंगली बोलती है, फौजियों की उंगली चलती है, गोलियों की बौछार होती है, दुश्मनों के सीने चीर लेते हैं। और तब शरद राव बौखला गए थे, उनको लग रहा था ये भाषण के लिए ठीक है, करेगा क्या मोदी, करके दिखाया कि नहीं दिखाया, करके दिखाया कि नहीं दिखाया? आप खुश हैं? आपको संतोष है? मेरी दिशा सही है? मुझे ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 2014 में आपके आदेश के बाद, आपकी इच्छा के बाद, आपके इस प्रधान सेवक ने देश की नीति और रीति बदल दी है। अब हम हमला होने के बाद महाराष्ट्र में कितने धमाके हो गए, कितने शहरों में धमाके हो गए, और मुंबई तो एक प्रकार से आतंकवादियों का स्वर्ग बना दिया गया था। और बाद में सरकारों ने क्या किया, कुछ कर पाए क्या? आप जरा जवाब दीजिए, कुछ कर पाए क्या? चुप बैठे थे कि नहीं बैठे थे? भाइयों बहनों, अब हमला होने के बाद हम घर में घुसकर मारते हैं। आपको नए भारत की नई रीति, नई नीति, क्या यही रास्ता पसंद है कि नहीं है? यही रास्ता आपको मंजूर है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल है जिनको इससे भी तकलीफ हो रही है, वो देश के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आपका ये चौकीदार उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा। इनकी साजिशों और देश हित के बीच मैं दीवार बनकर के खड़ा हूं, और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मुझे शक्ति दीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए, माता भवानी की धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए, विठोबा की धरती से मुझे आदा चाहिए, संत रामदास जी की धरती से आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे बताइए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है? भाई और बहनों, अपनी इस करनी की वजह से ही कुछ महामिलावटी दलों पर देश का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। अरसे बाद मैं एक ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां जनता और सरकार, और पहली बार देखा जा रहा है कि देश की जनता सरकार को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए, फिर से बिठाने के लिए
मोदी के हाथ में फिर से देश देने के लिए जनता खुद प्रचार कर रही है, अपने खर्चे से कर रही है, अपनी समय दे रही है। इतनी कड़ी धूप में बच्चे, बूढ़े, माता बहने, गांव शहर लोग निकल पड़े हैं। लोग घर घर जाकर मोदी को वोट देने के लिए कह रहे हैं।